दोस्तों बच्चे तो सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ बच्चे दुनिया में ऐसे भी हैं जो कि बाकी तमाम बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं 10 ऐसे बच्चों के बारे में जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुनफरिद हैं। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं लूना फैनर की। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि सुपर हीरोज ने अपने चेहरे पर काले रंग का मास्क लगाया होता है, जैसे कि ऋतिक रोशन जब आपने उसे क्रिश के अंदर देखा हो, या फिर बैटमैन जो कि मुख्तलिफ फिल्मों में काले रंग का चश्मा लगाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कभी कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जो कुदरती तौर पर अपने चेहरे पर इसी तरह का काला चश्मा लेकर पैदा हो? जी हाँ दोस्तों, ये एक छोटी सी बच्ची है जो कि बिल्कुल सुपर हीरो की तरह की ऐनक जैसा इम्प्रेशन लेकर पैदा हुई। साइंसदान कहते हैं कि इसके चेहरे पर मौजूद ये जो दाग है, ये बुनियादी तौर पर किसी कैंसेरियस सेल की मौजूदगी का पता देता है। लेकिन इसके वालिदैन रशिया से इसकी सर्जरी करवा रहे हैं और थोड़े थोड़े हिस्सों में इसके पूरे चेहरे से ये दाग उतरवा दिया जाएगा, जो कि अब तक तकरीबन आधा उतर चुका है। शेनिया एबेरो ट्वेला। दोस्तों फिलीपीन के अंदर नीली आंखों का कोई बच्चा पैदा होना बहुत ही अजीबोगरीब बात है। जब तक के बैरूनी जगह से यानी अमेरिका या किसी और रियासत से किसी के साथ मेटिंग या क्रॉस ना करवाया जाए। लेकिन दोस्तों चीनिया एक ऐसी छोटी बच्ची है जिसकी बॉडी में कोई फॉरेन ब्लड यानी बैरूनी किसी का खून मौजूद नहीं है, बल्कि उसका ये जो नीला रंग है आंखों का, ये म्यूटेशन की वजह से है और फिलीपीन में ये इंतहाई खूबसूरत माना जाता है। डेवी वेटलैंड। दोस्तों जेनेटिक म्यूटेशन यानी कि जिन्याती तौर पर एक तब्दीली वाकई होने की वजह से डेवी नाम का ये लड़का वाशिंगटन डीसी में रहता है और इसकी जिस्म में यूरिक एसिड यानी कि पेशाब बनने का अमल दुरुस्त तरीके से नहीं हो पाता। यही वजह है कि इसकी पूरी बॉडी ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है जो बेचैनी पैदा करते हैं और उनमें ये अपने आप को नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए इसके वालिदैन ने इसके मुँह के अंदर ब्रेसिस लगा रखे हैं ताकि ये अपनी जबान न काटे, और इसके साथ ही साथ इसके हाथों और पाओं को भी बांधा गया है ताकि ये किसी बॉडी पार्ट को नुकसान न पहुंचाए। इसके वालिदैन और इसके बहन भाई इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। एली जस्टिन। दोस्तों एली जस्टिन आयरलैंड के अंदर मौजूद एक ऐसी अल्बिनो बच्ची है जो पैदा हुई तो 12 हफ्ते के बाद उसकी मां को पता चला कि ये एल्बिनिज्म का शिकार है। दोस्तों एल्बिनो बच्चे वो होते हैं जिनकी स्किन और बालों का रंग प्रॉपर पिगमेंट्स हासिल नहीं कर पाता और प्रॉपर डेवलप नहीं होता। दोस्तों 12 हफ्तों के बाद ही इसके वालिदैन को पता चल गया कि ये सारी जिंदगी ड्राइविंग नहीं कर सकेगी और जब ये जवान होगी तो इसे छड़ी की मदद से चलना पड़ेगा। दोस्तों इस बच्ची के लिए दुआ कीजिए। सिना मूरा एंजन। दोस्तों ये छोटी सी क्यूट सी बच्ची सिर्फ 14 महीने की है और इसके पूरी दुनिया में लाखों फॉलोअर्स हैं। उसकी वजह ये है कि इस बच्ची के बिल्कुल माथे पर एक हार्ट शेप्ड यानी दिल की नुमा निशान पाया जाता है जो सुर्ख रंग का है। दोस्तों जबकि पैदा हुई तो इवन नर्सेज ने भी इसके साथ सेल्फी ली। ज़ारा गस्टन। दोस्तों ये एक ऐसी स्किन कंडीशन की हामिल बच्ची है जिसे सेगमेंटल विटिलिगो कहा जाता है। दोस्तों इस कंडीशन के अंदर बच्चे के चेहरे पर एक बहुत बड़ा पिगमेंट पाया जाता है। जिस तरीके से फूल बहरी अगर किसी इंसान को हो जाए तो उसके जिस्म के दो रंग हो जाते हैं, इस बच्ची के केस में ये सिर्फ चेहरे पर ही मौजूद है। द बॉय विथ फर ग्रोइंग। दोस्तों चाइना के अंदर एक ऐसा लड़का पैदा हुआ है जिसके पूरे जिस्म के ऊपर बाल उगना शुरू हो गए हैं जो दिखने में ऐसा लगता है कि शायद फर है। जिस तरीके से किसी भेड़ के जिस्म पर बाल उगते हैं, उसी तरह इस बच्चे के पूरे जिस्म पर बाल उग रहे हैं। इसकी वालिदा एक वेटर हैं जबकि वालिद कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं। दुआ कीजिए कि उन्हें इस बच्चे की सेहत की खुशखबरी मिले। कीकी सल्वेटर। दोस्तों 7 साल की ये छोटी सी खूबसूरत बच्ची फ्रेंच और अंग्रेजी दो जुबानें बोलती है और इसकी दुनिया की बड़ी मॉडलिंग एजेंसीज के साथ बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट डील है। ये मुख्तलिफ किस्म के क्लोथ्स यानी कपड़ों की नुमाइश करती है और बड़े बड़े फैशन शो के अंदर रैंप पर वॉक भी करती है। थॉमस मोर। दोस्तों 8 साल ये बच्चा एक इंस्पिरेशन है। इसने अपने बाल बड़े करना शुरू किए और जब इसके बाल तकरीबन 4 साल के दौरानिये में लंबे हुए तो इसने उन्हें कटवा कर कैंसर के पेशेंट्स को अतिया कर दिया। ये चाहता था कि कैंसर के पेशेंट खुद को तन्हा महसूस न करें और इसके इस जेस्चर की वजह से इसे पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ शोज में बुलाया गया। माइकल मिशेल हैरिस। दोस्तों 7 साल की ये लड़की इस वक्त हॉलीवुड की यंगेस्ट तरीन अदाकाराओं में से एक है जिसने सिर्फ 3 साल की उम्र में लीड रोल्स करना शुरू कर दिए। ये यंग बॉनी HBO के शोज में भी आ रही है और इसने पूरी दुनिया को अपना गर्विदा बनाया हुआ है। जब ये 3 साल की थी तो इसकी माँ ने इसकी एक छोटी सी वीडियो बनाकर उसे इंटरनेट पर डाल दिया और वो देखते ही देखते लाखों लोगों ने देखी और इसके साथ प्यार का इजहार किया। तो दोस्तों ग्रीन की इन सब वीडियोस में से आपको कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।